अपेक्षा थी सिंधी प्रकरण अद्वैत मान। इस प्रकरण में अद्वैत श्रुति वाक्य से भी सिद्ध होता है अर्थात एक युक्ति के द्वारा भी समझा जा सकता है। इसको लेकर के ये प्रकरण शुरू होता है। यहाँ पे लिखा है कि हम लोग तो सारा ही संसार में भेद निकल करते हैं और अब अद्वैत अद्वैत गौतम के जन्म मृत्यु शुद्ध फिर क्रिया उपाय सब शांत कर दो तो संघिल मिलावट हो जाएगा, ये सही हो ही नहीं पाएगा। ऐसा प्रकार से संभव नहीं बस एक ही करके निराकरण करते हैं। क्या बोलते हैं ये रूप कार्य समर्थस्य वित्तते वर्तते वही आकाशस्य न भेद न स्थितं वर्ति विश्व घट आकाश कड़क आकाश गृहाकाश ये आकाश में नाम तो आकाश का अलग अलग हुआ और लब्ध भी अलग अलग है क्योंकि वो परिधि के अथवा उसका परिच्छिन्न होता है कि आकार अलग होने के कारण कोई घर कोई कर कोई गृहकाश और तीनों का काल कार्य भी अलग अलग है तीनों का रूप भी अलग अलग है। परंतु जरा विचार करके देखो ये कार्य भिन्नता रूप भिन्नता और जो नाम भिन्नता ये कहाँ पे है मुश्किल वो केवल मात्र उपाधि में उपाधि के आश्रय मतलब इस आकाश का भिन्नता के व्यापार समझ कर आकाश वास्तविक व्यापक व्यापक होने के कारण और कोई व्यवहार नहीं वहाँ पर कोई क्रिया होना संभव है। इसलिए ये जो है इस प्रकार से घटाकाश महाकाश का ना अवयव है ना विकार है उसी प्रकार जीवात्मा ना परमात्मा के अवयव है ना परमात्मा के विकार साक्षात परमात्मा स्वरूप इस प्रकार में शास्त्र निर्णय करते हैं। आत्मा सदा जीव हमेशा जीव जाना विकार और अवयव का परमात्मा के विकार भी नहीं है कि अवयव भी नहीं है। परंतु कुछ आप बोल रहे हैं कि ये नहीं है ब्रह्म पूरा ये अधिक है क्योंकि आप श्रमण सामान्य रूप से क्या होता है कार्य का पूरा गुण कारण में आना है। कार्य आपका शुद्ध है अशुद्ध है व्यापक है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और कार्य क्या दिखाई पड़ता है इसका उल्टा बंधन में है अल्प में है अल्पत्र अल्प शक्तिमान अपने दुखी मान के बैठा हुआ है तो ऐसा कैसे होगा। तो ये है मन उपाधि के कारण इसमें मतलब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होता हुआ भी अपने को बंधन में आता है बंधन मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं यथा भगति बालानाम गगनम मलिनम मलही तथा भगत अवुद्धानाम अपि आत्मा अवुद्धानाम आत्मा अपि मलिनो मलि। इस प्रकार अविवेकी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति आकाश को धुआं के साथ धूल के साथ कोहरा के साथ बादल के साथ आकाश मलिन हो गया जैसे समझते हैं परंतु आकाश कहाँ है धुआं ही कहाँ गया क्योंकि सब कुछ संबंध नहीं है। तब अविवेकी व्यक्ति ऐसा समझता है इसी प्रकार से शुद्ध आत्मा पूर्ण व्यापक सर्वतः असंग है उपाधि उसके सान्निध्य में रहेंगे काम तो करते हैं परंतु उपाधि का कोई भी दिया कोई संबंध नहीं है इसलिए बंध मोक्ष आदि के व्यवहार आत्मा में नहीं है। तो ये आत्मा कभी भी मलिन नहीं है। जन्म मृत्यु दिखाई पड़ता है अलग अलग जीव के अलग अलग कर्म कौन सा और एक अच्छा शरीर आदि मिलते हैं ये कैसे निर्णय करें जी। कल हम लोग आठ तक बन गए थे नौ शुरू हाँ वो भी पढ़ दिया था पूरा हाँ नौ पूरा हो गया इसीलिए बोला था कि श्लोक पढ़ा था नौ नंबर भाष्य का है ना नौ नंबर का केवल मतलब श्लोक पढ़ लिए थे भाष्य टीका नहीं पढ़ा तो यहाँ पे टीकाकार ऊपर खर दिए थे नौ नंबर श्लोक के लिए कि जीव जो है मरणानंतर अपने कर्म का अनुसार सर्वलोक जाते हैं धर्म अनुसार करने का और अधर्म वशा नरक में जाते हैं अधर्म धर्मश्च भोगे न क्षय पुनः आगत योनि विशेषण संपत्ति धर्म धर्म की भोग क्षय हो जाने का फिर एक विशेष योनि को प्राप्त करते हैं फिर मनुष्य में प्राप्त कर फिर कर्म करते हैं दावत भोग चित्त पुनः परलोक आयु को दिखे अभी परलोक के लिए मैं इसको पढ़ लिया प्रतिष्ठा थे और अगर उसको जाए वहाँ तक जाते हैं अभी एवं इन लोगों पर लोग संसार में व्यवहार विरुद्ध है ना। इस प्रकार से गमनागमन जो जो व्यवहार है ना ये अद्वैत में होना संभव नहीं होना इस प्रकार से शंका करने पर इसको उत्तर में बोलते हैं श्लोक पे एक साथ पढ़ेंगे मरणे संभवे चैव प्रत्यागमन योरपि सिदौ सर्व शरीरेषु आकाशे न विलक्षणः। जो जब मरणे मतलब मृत्यु में संभवे मतलब उत्पत्ति में जन्म और क्या जन्म मृत्यु गति आदि ये सभी जो है उपाधि के साथ मिलकर के आत्मा दिखाई पड़ स्थितो सर्व शरीरेश
आकाश से अविलक्षण, आकाश में जैसा दिखाई पड़ता है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ पे घर पैर में भी कुंभकार ने बनाया तो घटक स्वरूप पड़ती है, फिर घर टूट जाएगा तो घटक स्वरूप, घर को बनाने के बाद उसने का इतना सीना पेड़ था तो घटक का स्वरूप एक जगह भी हम आते है ना, फिर यहाँ से घटक बाजार में ले गया तो अन्य जगह पर चला गया। इस प्रकार से जैसे उपाधि के साथ आकाश में गति आगति जन्म वृत्ति उत्पत्ति नाश आदि प्रकृति हो जाए, बिल्कुल यहाँ भी ऐसे उसमें कोई भिन्नता नहीं है, बिल्कुल यहाँ भी ऐसे समझना चाहिए, यहाँ भी ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि एक नंबर की टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है, आकाश में अविलक्षण आत्मा की अनुवर्तक है, आकाश के साथ आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है, ठीक है ना। जैसा आकाश में वैसे ही आत्मा आकाश से भी व्यापक और सूक्ष्म है, इसीलिए आकाश से कोई भिन्नता नहीं है। भाष्यम तो आत्मन मरणा को प्रतियमान सत्य भी, भाष्य पढ़ने से ऐसा लग सकता है कि आत्मा में मरणादि की प्रकृति होती है, ऐसा होने पर भी मरणादि गणा जो मरण जन्म आवागमन सब आकाश मरणादि अविलक्षण, इस प्रकार आकाश संबंधी उत्पत्ति नाश गमन आगमन इससे कोई भिन्नता नहीं है, इस पर बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है यहाँ पे अब श्लोक से तात्पर्य ईश्वर के अभिप्रेत अर्थ क्या तात्पर्य क्या उसको भाष्यकार बोलते हैं। पुनर्भिभाष्य में भाष्य है पुनर्भि उत्तम एवं अर्थम प्रपंच यदि दोबारा इसको अभ्यस्त बोलते हैं, जिसको हम समझाना चाहते हैं उसको बार बार घुमा फिरा के बोलते हैं, इसलिए वेदांत में पूर्ण रूप से दोष नहीं है, अभ्यस्त नहीं मानते हैं, इसलिए बताए पुनर्भि फिर दोबारा उक्तम एवं अर्थम जो कह करके आया उसी को ही उस विषय को ही प्रपंच यदि थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। उक्तम एवं अर्थम प्रपंच यदि यहाँ पे टीकाकार होते श्लोक तात्पर्य पुनरअपि उक्तम एवं यहाँ पे उत्तम अर्थम क्या है आत्मा में अभी उत्तम अर्थ को अतिरिक्त टीका टीका में मैंने लेना आत्मनि सर्व व्यवहार अविद्या कृत वास्तव न इति उक्त अर्थ हम यही कहना चाहते हैं। प्रतिपाद्य विषय यही है, क्या है आत्मा में जो भी कुछ व्यवहार दिखाई पड़ता है अज्ञान की महिमा है, माया की महिमा है, वास्तविक आत्मा में किसी भी प्रकार की क्रिया व्यवहार कुछ भी होना संभव नहीं है, ये हमारे प्रतिपाद्य अर्थ का कहने के विषय से होता है। आत्मनि मतलब आत्मा में सर्व व्यवहार हर प्रकार की व्यवहार अविद्या कृत है ना, अविद्या के कारण वहाँ पे दिखाई पड़ता है, वास्तव का परमात्मा का अपना कुछ भी प्रकार का व्यवहार नहीं है। यदि उक्त अर्थ भी कहाँ से उक्त अर्थ बोला वो पुनरअपि उक्तम एवं अर्थ ये उक्त अर्थ ये हमारे कहने का विषय है। तो क्या भी बोलते हैं घटाकाश जन्म नाश गमन आगमन स्थितिगत घटाकाश की जन्म हुआ कैसे जब घर उपाधि को उत्पत्ति तो घटाकाश की जन्म हो गया, घर उठी तो घटाकाश नाकाश प्रलय हो गया, घटाकाश को उठा करके घड़ा को उठा करके एक जगह से दूसरा जगह पे रखा तो क्या हो गया घटाकाश की गमन हुई, उठा के वहाँ से बाजार ले गया अपने घर में लाया तो आगमन हुई। इस प्रकार से जैसे घटाकाश में हमें प्रतीति होती है घड़ा उपाधि के साथ आकाश का भी गति आगति आदि ठीक इसी प्रकार वास्तविक आकाश में कोई गति नहीं है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी आत्मा आकाश विशिष्ट वस्तु है शरीर उपाधि के साथ अथवा सूक्ष्म शरीर उपाधि के साथ शिव की गति आगति होती है, स्थूल शरीर के उत्पत्ति नाश के साथ आत्मा की उत्पत्ति नाश होती है, ऐसी प्रतीति होती है। सूक्ष्म शरीर की गति आगति होती है, स्थूल शरीर की गति आगति नहीं होती है, स्थूल शरीर में ही में नाश होता है, सूक्ष्म शरीर उपाधि से काम रूपांतर में गमन करके नया शरीर प्राप्त करके भोग करते हैं। इस प्रकार से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर शरीर उपाधि के साथ ही आत्मा में जो है इस प्रकार गति आदि दिखाई पड़ते हैं। घटाकाश जन्म नाश गमन आगमन और स्थिति घटाकाश के विद्यमान जीव की शुरू पर सर्व शरीर समस्त शरीरों में आत्मन आत्मा का जन्म मरण आदि जन्म मरण आगमन आगमन आदि आकाश में अविलक्षण आकाश से किसी प्रकार का कोई भिन्नता नहीं है। जैसे आकाश में प्रकृति होती है ऐसे ही यहाँ भी समझना चाहिए, प्रत्येक ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए क्योंकि आपके लिए इसका भी प्रयोग बस। लेकिन यहाँ पे टीकाकार बोलते हैं टीका में जो बचा है आत्मन ही गगनोपमस्य गत्यादेव आत्मा जो आकाश के समान व्यापक है गति आदि वस्तु तो असंभव है, जिस प्रकार आकाश में कोई गति होना संभव नहीं है उस प्रकार आकाश से सूक्ष्म और व्यापक आत्मा में किसी प्रकार का कोई गति कोई क्रिया होना संभव ही नहीं है।
आत्मनो ही गगनो गमस्य आत्मा जो आकाश आकाशपुंज है आकाश की सूक्ष्म है इस प्रकार आत्मा का गत्य आदि मतलब गति आगति जन्म मृत्यु वस्तु तो असंभव है कारण होना संभव नहीं है व्यापक कथा में कोई व्यवहार के लिए होना संभव नहीं है अब प्रकृति कैसे है अविद्या के धुन ये माया की गुना है ना उसको परिचिन्न करके देखा करके हर प्रकार की क्रिया में तस्मिन गति आगति इसको अविद्या के तो तस्मिन आत्मनि गति आगति अविद्या के कारण आत्मा गति आगति का प्रकृति ऊपर एक दो नंबर की टिप्पणी दे दी है जन्म मरण आदि आकाश और विलक्षण है दो नंबर की टिप्पणी आकाश हाँ आकाशीय जन्मादि तुल्य इति आकाश संबंधित आकाशीय छ प्रत्यय वहाँ पे आकाश शब्द हो गया आकाश संबंधित जैसे जन्म मृत्यु गमन आगमन की प्रतीति हो गया उससे बिल्कुल कोई भिन्न नहीं है उसी प्रकार से आत्मा में भी गमन आगमन की प्रतीति मात्र होते हैं पारमार्थिक वहाँ पे नहीं देखो मैं यहाँ तक तो फिर भी समझ में आए परंतु देवता शरीर और चीटी शरीर क्या एक हो सकता है देवता शरीर का आत्मा पूर्णात्मा होता है चीटी का आत्मा पापात्मा होता है क्यों नहीं बिल्कुल सभी यही मानते शरीर एक मान लेते हैं समझता बिल्कुल समझता है बिल्कुल तो पाप जो है ये अंतकरण के व्यक्ति हैं आत्मा में कोई पाप नहीं है और फिर भी हमारे अंदर जितना जितना देवों मूलों का भी क्षमता बैठे हुए ना एक एक करके विदा करते हैं कितनी चीज़ को निश्चय रहना चाहिए पूर्ण पापा जी के साथ आत्मा में तीनों काल का कोई संबंध ही नहीं है तो उसके पूर्ण पाप के अनुसार शरीर ग्रहण भी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है उसको मन में रखिए देखिए मन को है ननु टीका है ना दस संघात सत्ता उपाधि न सत्यत्व संघात मतलब जो अनेक चीज मिलकर के बनता है जो अनेक चीज मिलकर के बनता है उसको बोलते हैं संघात शरीर एक संघात है ना यहाँ पे स्कूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है ना मन है बुद्धि ये सारा मिलकर के बनेंगे प्राण भी चलते हैं कि संघात सभ्यता नाम संघात शब्द से कहा जाता है शरीर जिसको उपाधि रूप में आपने कहा सभ्यता नाम उपाधि ना कि उपाधि सत्य है सत्यत्व उपाधि सत्य है सत्यत्व तब प्रयुक्त भेद से भी क्योंकि पूर्वमीमांसा दर्शन के बहुत बड़ा एक झटका लग गया हजार बार क्योंकि पूरा के पूरा पूर्वमीमांसा दर्शन भेद बुद्धि को बना करके दर्शन बनी हुई है और कर्म कांड पूरा प्रतिपादन करने वाला है निधन जाओ ये करो पुण्य पाप निषिद्ध निषिद्ध करो ये कर्म इसको लेकर के किया सभी के ब्रह्म जीव को लेकर के किया भेद मन्मता भी करके किया इसीलिए पुण्यमंत्री जो बोलते हैं संघात सभ्यता नाम उपाधि नाम सत्यत्व संघात शब्द के द्वारा कहा जा रहा है जिस उपाधियों को उपाधि सत्य है देवता सत्य है देवता कोई मिथ्या वस्तु नहीं है ब्रह्मा जी से रहेगा कि जितना देवी देवता सब सत्य हैं और फिर जो शरीर जो प्राप्त होता है यदि देवता शरीर भी सत्य होगा ये भी सत्य होगा ऐसा गौरवाद करते हैं तब प्रयुक्त भेद मतलब शरीर प्रयुक्त भेद शरीर तथा प्राप्त सत्यत्व को भी सत्य होने के कारण अद्वैत अनुभवती अद्वैत युक्ति संगत नहीं हो सकता है तात्वस्थ होते से पहले युक्ति न था अभी तो ऐसे ही करना तात्वस्थ मतलब जैसे पहले था वैसे ही है संघात शब्दिता नाम उपाधि नाम सत्यत्व संघात शब्दों के द्वारा कहा जाता है जिन उपाधियों को वो सत्य होने के कारण तब प्रयुक्त भेद मतलब उपाधि प्रयुक्त भेद उपाधि के कारण भेद देखा करता वो भी तथात्व मतलब सत्यत्व वो भी सत्य होने के कारण अद्वैत अनुपत्ति तादवस्थम अद्वैत युक्ति युक्तिहीन है ये जैसा पहले था अभी भी आपने किसी भी प्रकार युक्ति के द्वारा कहीं को खंडन नहीं कर पाता अद्वस्थ अतिथि चेत यदि ऐसा मुख्य रूप से पूर्व विरोध से दर्शन की संज्ञा संघाता स्वप्न मत सर्वे संघाता स्वप्न मत सर्वे आत्मा माया विसर्जितः आत्मा माया विसर्जितः आधिक्ये सर्वसाम्येव आधिक्ये सर्वसाम्येव लोकपत्तिर्हि विद्यते लोकपत्तिर्हि विद्यते संघाता स्वप्नवत् सर्वे आत्मा माया विसर्जिता आधिक्ये सर्वसाम्येव लोकपत्तिर्हि विद्यते संघाता अच्छा
स्वप्न और नाम जब देखते हैं, स्वप्न में कभी हम देवता को देखते हैं, स्वप्न भी देखते हैं, सामान्य मनुष्य भी देखते हैं, कभी कभी चिड़िया पशु आदि को भी देखते हैं, तो कौन सा स्वप्न आपका सत्य होता है और तो किस स्वप्न जब सत्य मानेंगे? क्यों देवता को स्वप्न में देखा तो अच्छा है, वो स्वप्न मानते हम तो नहीं मानते हैं। उपनिषद में नहीं देखा, पुराणों में देखा, श्रीमंत विद्या के बाद आपने जो है जमीन में सोया, कर्मकांड में प्रश्न ये बात आया हुआ, उसके बाद जब सोने के बाद यदि आपको आप स्वप्न में तो समृद्ध सौभाग्य समृद्ध संपूर्ण दर्शन उस स्वप्न निदर्शन के लक्षण क्या होता है कि आपका कर्म सफल होगा। स्वप्न सफल है नहीं बोला, क्या बोला? जिस कर्म को किया उसको नहीं सकते ये नहीं बोला, उल्टा नहीं समझना। वो एक लिंग होता है, स्वप्न में भी कुछ लिंग होता है, उसको देख करके आप ये समझना कि आपने जो कर्म किया वो सफल, इतना वहां पे कहा गया है। अब बार बार ये बोला जा रहा है समस्त वेद में जो कर्म कांड को प्रतिपादन किया गया है वो किसको मानने का अधिकार है? भेद को मानने का अधिकार है, जाति भेद वर्ण भेद आश्रम भेद को मानने का अधिकार है। जब तक ये मान्यता रहेगा तब तक आत्मज्ञान होना संभव नहीं है, बिल्कुल 100% जब तक ये मान्यता हमारे मन, इसीलिए तो मानव कार्य का घुमा के इस प्रकार से ये मान्यता हमको अच्छा भी लगता है, भिन्नता अच्छा भी लगता है, ठीक है। हम व्यवहारिक मर्यादा को रक्षा तो जरूर करेंगे, परंतु मन में अगर दृढ़ निश्चय है ये व्यवहारिक मर्यादा पारमार्थिक कुछ भी नहीं है, पारमार्थिक कुछ भी नहीं है, पारमार्थिक शुद्ध अकेला पूर्ण में असन हो जाता हूँ, इस भिन्न कुछ भी नहीं है। इसीलिए आगे बोलते हैं कि आत्ममाया विषय, स्वप्न में आपने कुछ भी देखा मतलब आप चाहे देवी देवताओं को, हाँ एक जगह पे स्वप्न आकर के वेदांत परिषद में आकर के एक जगह पे आप ये बोल रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में आकर के ये देखता क्या देखता है कि मैं आश्रम को पूर्ण में आऊँ, मतलब निरंतर मतलब कि ब्रह्म अस्मिन निरंतर इति वासना हरंती अविद्या विक्षेपान क्या बोलते हैं रसायनम इव औषधम विकारान इव औषधम, निरंतर इस ब्रह्म चिंतन के फलस्वरूप जो आपको क्या होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, इसके फलस्वरूप जब ये अनुभव में आ जाता है, ये स्वप्न देखने लगता है तो समझना क्या है उसको हमें सच्चा हो, मैं उस समय राजा बनता हूँ, ये सच्चा स्वप्न है, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं, आपने मन ही मन सोचा कि भाव को प्राप्त करो, अब आपके सामने स्वप्न में ही होता है। अब बाकी सारा स्वप्न में मिथ्या है, क्योंकि पारिवारिक जगत में जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे वो सत्य नहीं है, परंतु ये पारमार्थिक सत्य आत्मा है, बार बार पुनः कर व्यक्ति बनाते बनाते मन को चिंतन भी होने लगे हो सकता है स्वप्न में आ सकता है। वेदांत बोलते हैं ये स्वस्थ परम लोक है, ये उसका परम लोक है, ये सत्य नहीं है, ये किस जगह पर है जो सत्य वस्तु संबंध स्वप्न दिखेंगे तो वो सत्य सत्य मान लेते हैं, और प्रातिभाषिक वस्तु संबंध स्वप्न देखते हैं स्वप्न दृश्य वस्तु को दिखते हैं। आत्म माया विषय अपने ही माया के द्वारा अपने आप जो है ये सब फैला हुआ है। स्वप्न हम क्यों देखते हैं? क्या वस्तु के प्रति आसक्ति अपनी वासनाओं के कारण, यही हमारी आत्ममाया है। आत्मा की अज्ञान ही अपनी माया को विस्तार करता, आत्मा की माया को विस्तार करता, स्वरूप अज्ञान अपनी माया को विस्तार करते, स्वरूप को ज्ञान क्या करता, सारा विक्षेप को नाश करता, यही फंडामेंटल गलत शुरू से यही बोल कर आया हुआ है। इसलिए यहाँ बोलते हैं आत्म माया विषयता को देखिए, वहाँ पर टिप्पणी का लिखते हैं आत्म आश्रय आत्म विषय च, ये माया अथवा अज्ञान आत्मा के आश्रय में रहता है और आत्मा को विषय करता है। माया अथवा अज्ञान जो भी बोले थे आप कहाँ रहेगा, वो हमारे पास एक ही वस्तु है, दूसरा कोई है ही नहीं, यदि हमारे पास है जो दूसरा कोई है ही नहीं, यदि कोई अज्ञान रहता है तो मानता का भी आत्मा नहीं है, और अज्ञान किसको विषय करता है, किस विषय संबंधित अज्ञान है, आत्मा के आश्रय में रह करके आत्मा बुद्धि कमरे अंधेरा कहाँ रहते हैं, किसी कमरा बंद कमरे में अंधेरा आत्मा में ना मिले, तो कमरे के आश्रय में रह करके विषय किसको रखता है, कमरे के अंदर जो विषय रखा हो सबको ढक देता है, दिन में नहीं देता। आत्मा से प्रकाशित जब
आत्मा से प्रकाश बुद्धि हाँ बुद्धि चेतन जैसा क्या वो तो अकल्पित वस्तु बुद्धि बुद्धि कब आएगा अज्ञान से बुद्धि होती है कि बुद्धि से अज्ञान आया बोलो बात क्या है कि जो वस्तु मतलब पुत्र पिता का आश्रय नहीं हो सकता अज्ञान के कारण अनात्मा वस्तु दिखाई पड़ता है इसलिए अज्ञान कभी भी अनात्मा में नहीं रह सकता फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि अज्ञान से अनात्मा वस्तु दिखाई पड़ता है इसलिए अज्ञान कभी भी अनात्मा के आश्रय में नहीं रह सकता अच्छा फिर दूसरी बात क्या है अनात्मा अज्ञान रूपी है इसलिए अज्ञान उसमें कुछ विशेषता आपादन नहीं कर पाती जिसको हटाना पड़ता है आत्मा के आश्रय में रहते विपरीत धर्म उसके ऊपर आपादन करते थे जो ज्ञान हटा देते हैं इसीलिए इस कारण से कि अज्ञान का आश्रय आत्मा को मानने से हमारी कोई असुविधा नहीं है बिल्कुल बुद्धि ने वास्तविक क्या है जब आप बंधन और मुक्ति की मान्यता देते हो जब और बंधन और मुक्ति की मान्यता देते हो तब वो आपकी बुद्धि नहीं है आत्मा में नहीं है आत्मा में नहीं है जब आप अज्ञान की मान्यता देते हो तब क्या है कि हमारे पास तो अज्ञान से बुद्धि उत्पत्ति अज्ञान के कारण अंतकरण दिखाई पड़ता है नहीं इसकी अभिद्या मनुष्य अंतरिण अज्ञान का कार्य आप देखना चाहते हैं सबसे पहले मन ही है अज्ञान नहीं दिखाते मन ही है इसीलिए कि मन के आश्रय में अज्ञान ये नहीं कह सकते अज्ञान के आश्रय में मन दिखाई पड़ता है इसीलिए अज्ञान के आश्रय और विषय दोनों ही आत्मा ही है दोनों ही आत्मा है इसलिए बोलते हैं आत्मा आश्रय तद विषय आत्मा के आश्रय में रहते हैं और आत्मा को विषय करने से आत्मा माया विषय देता आत्मा की माया से वो विषय की मतलब ऊपर सामने प्रतीत प्रतीति होती है इसमें देवता शरीर में अधिक अर्चित शरीर में कम ये अथवा सभी में समान सत्यता ये मानने की आवश्यकता नहीं आधिक्य सर्वसाम्यवा न हो पत्ते मिथ्या एक ही मित्र एक सम्मता क्या है कोई पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है देवता शरीर होगा यहाँ तक हिरण्यगर्भ होगा हिरण्यगर्भ से हमारी कल्पना शुरू होती है ईश्वर कोई उत्पत्तिशील वस्तु नहीं है ईश्वर माया उपाधि से शुद्ध चेतन वस्तु की प्रतीति होती है बस इतना ही मत है ज्ञान होने के बाद ईश्वर तत्व कभी हमारी दृष्टि से माया कहाँ रहेगी दृष्टि तत्व भी नहीं है एक शुद्ध चेतन तत्व ही है इसलिए हमें बोलते हैं संघात समस्त संघात स्वप्नवत सर्वे सारा स्वप्न में दिखाई देता वस्तु के समान है संघात चाहे देवता संघात हो देवता का शरीर हो चाहे जीव शरीर हो पंचभूत से बना हुआ है ना किसी में ठीक है पांच परमात्रा में प्रोपोर्शन में थोड़ा भिन्नता है किसी शरीर में जल की मात्रा अधिक किसी शरीर में पृथ्वी की मात्रा अधिक किसी शरीर में तेज मात्रा अधिक किसी में वायु मात्रा अधिक पंच है तो पंचो महाभूति है ना इसीलिए कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है आधिक्य मतलब देवता शरीर अच्छा है अब ये शरीर खराब है अथवा सभी में समान सत्य होता है देवता शरीर भी सत्य है इसलिए जीवित शरीर भी सत्य होगा मनुष्य शरीर भी सत्य होगा ये उद्देश्य को मानने की कोई युक्ति नहीं है उपत्ति भी ना भी करते कोई युक्ति नहीं है तो यहाँ पे देखिए टीकाकार लिखते हैं पहले श्लोक का अर्थ देवादि देहानाम उच्चतम तेन आधिक्य अभ्युपगमा ठीक है देवादि देहानाम हिरण्य गर्भ से लेकर के जितने देवता हैं आदित्य देवता वरुण देवता रुद्र देवता सब हम लोग बोलते हैं देवादि देहानाम है ना उन देहों का उच्चतम देना क्योंकि देवता शरीर को पूजा किया जाता है उच्चतम होने के कारण आधिक अभ्युपगमान इसके देवता शरीर में मनुष्य शरीर की तुलना में कुछ अधिक अधिक क्या है मतलब देवता शरीर में मनुष्य के रहने की तुलना में अधिक क्या है मतलब धर्म के अधिकता के कारण देवता शरीर में आपको तेज शक्ति अधिक दिखाई पड़ता है तेज मात्रा अधिक है और इस परंतु ये तो शरीर जो है पंच महाभूत से बना हुआ है और पंच महाभूत तो आत्मा ने कर दीजिए आत्मा कर दीजिए इसलिए देवता शरीर तक भी जो है इसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है ठीक है व्यवहार के लिए हम मान्यता देते हैं उसको आधिक्य मूढ़ दृष्टा कल्पित
विवेक दृष्टा सर्वदेहानाम पंच क्या लिखा आगे पढ़िए सर्वदेहानाम पंचभूतात्मवादी वो तो संशोधन करना पड़ेगा आपको पंचभूतात्मकत्व पंचभूतात्मकत्व अविशेषा जी को काट दीजिए पंचभूतात्मकत्व अविशेषा सर्वदेहानाम पंचभूतात्मकत्व अविशेषा अशेष साम्य व स्वीकृति नास्ती सभी प्रकार माती देवता के समान सत्य कभी इस प्रकार स्वीकृति नहीं है नास्ती संघात सत्य का संघात में सत्यत्व मानने में किसी भी प्रकार की अलग वृत्ति नहीं दिखाई पड़ता दोबारा उपला से देखते हैं देवादि देहानाम उच्च तमक के न देवताओं के शरीर जो है उच्च होने के कारण आधिक्या अब जो गगमा उसमें पूर्णता भी अधिक है पूर्ण सत्य पुण्य अधिक है इसका मानने के कारण न असत्य सिद्धि इसमें देवता शरीर असिद्ध असत्य है ये सिद्ध नहीं होता क्योंकि आशंक ऐसा शंका करने पर आप एकदम उत्तर दे रखते हैं भेदेशु शरीर भिन्नता में केशुचित इसी के ना केशुचित शरीरों में कौन कौन शरीरों में केशुचित देव भेदेशु आधिक के मूह निष्ठा कल्पित होगी उसमें जब अधिक अकार्य शुद्ध है इधर देवता है अच्छा है इसमें सत्य गुण है ये मूल जो है तीन गुण भगवान स्वयं गुण है न तदस्ती पृथ्वी देवी शिवा गुण सत्य देवी सत्य सब गुण भी अभी लोग करते चलते हैं और तुमको क्या होना है गुणातीत होना गुणातीत होना मूल में यदि सत्यत्व होता तो गुणातीत होने के लिए क्यों बोलता भगवान मिथ्या कभी भी कोई शास्त्र कोई धर्म कोई भी उपदेश मिथ्या को आश्रय करके चलने के लिए नहीं बोलता सत्य को भी आश्रय करके चलने के लिए बोलता है यदि गुण में कोई सत्यत्व होता है उसमें कोई हाँ व्यवहारिक लाभ है इतना मात्र दिल पार्थिक सत्यत्व होते तो भगवान क्यों वर्षित को बोलता गुणातीत हो अथवा गुणातीत आत्मस्वरूप में सिद्ध हो क्यों बोलते इसलिए हमें पारमार्थिक सत्य अपने आप निषेध करती है जय इसी को निषेध बोलते हैं बताते हैं भेदेशु केशु आधिक के मूल दृष्टि कल्पित भी वो जो अधिकता अविवेक दृष्टि से कल्पित होने पर भी है ना विवेक दृष्टिया विवेक दृष्टि से सर्व देहानाम समस्त देहों का पंचभूतात्मकत्व अविशेष समस्त शरीर में पंचभूतात्मकत्व धर्म सामान्य होने के कारण अशेष साम्य सभी में पारमार्थिक सत्यता सभी अच्छा है स्वीकृति नास्ती इसका स्वीकार नहीं होता संघातेषु सत्यस्य सिद्धे संघातेषु सत्यत्वे संघातमे सत्यत्व बुद्धि करने पांची उपपत्ति किसी प्रकार का युक्ति का नहीं दिखाई पड़ता ये जीव शरीर को छूटा होगा परंतु देवता शरीर को सत्य होगा ये भी बहुत कठिन बात है थोड़ा समझ में आ जाए कठिन एक सुंदर अच्छा कहते फूल आगे देख करके मन कहता देखो ये कितना सुंदर भगवान की रूप है परंतु कुष्ठ व्याधि को देखकर कुष्ठ रोगी को मैं नहीं बोलता तो फिर भी देखो कुष्ठ व्याधि को देख करके ये मन में आता है कि नहीं ये भी भगवान के रूप है बहुत कठिन है गंगा जल देख करके मन में आता है कि प्रणाम करो जगत है गंगा के पानी देख करके लगता है कि यहाँ भी उसे अच्छुतानंद के भगवान है ये भेद जब तक नहीं मिलता है तब तक आपको करना बहुत मुश्किल है तो लोग जन्मांतर से इतना संस्कार दृढ़ हो गया कि हाँ मैं ये नहीं कहता कि व्यवहार को सब मिला दो पर व्यवहारिक मर्यादा को रखते हुए मन में दृढ़ निश्चय है उसमें कोई भिन्नता नहीं केवल प्रकृति मात्र है तो व्यवहारिक इसलिए बोलते हैं कि सर्वध्यान पंचभूतात्मकत्व अविशेषात अशेष साम्यवाद्य नास्ती सब संख्या जो सत्य कार्य अशेष स्वभाव सब समान है सभी सत्य है इस प्रकार स्वीकार करने में कोई युक्ति नहीं है तो यहाँ पे देखिए शांत होकर टिप्पणी दिखाई पड़ते हैं इसके पहले ऊपर पे एक नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे छूट गया दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी हाँ दो नंबर भी मैं पढ़ के आया दो नंबर का आकर्षण और विलक्षण ऊपर मिलेगा तीन नंबर ठीक है ये भाष्य में है तीन नंबर मेरा बताओ ठीक चार नंबर की पढ़ने की चार नंबर मतलब क्या है आचित उपपत्ति इंद्रजाल इति चमत्कार विशेष किया तो ये इंद्रजाल है माया है इसमें कोई सत्य का नहीं है कोई युक्ति के द्वारा इसको फिर युक्ति के द्वारा इसको सत्य नहीं सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि हम जो है जादू देखने जाते हैं
जान बुझ करके पैसा दे करके कुछ मूर्ख मतलब मजा लेने के लिए जाते हैं। तो देखो ये जानते हैं कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये बार बार कुछ हो तो नहीं हो सकता है कि किसी का किसी के बोलते हैं। अब है श्लोक में जो सेकंड लाइन है आदि के सर्व साम्ये कोई इससे ये अच्छा है बुरा है अथवा शरीर पर समान रूप से सत्य है ये सत्य शरीर को लेकर के बोलते हैं। शरीर समान है इस दृष्टि से आत्मदृष्टि से उसमें समान को भी बताते हैं। ये बोलकर क्या बोलते हैं पूर्वार्थ अक्षरानी योगी इस श्लोक में पूर्वार्थ क्या है इस श्लोक में पूर्वार्थ क्या है श्रद्धाता शब्दवत सर्वे आत्ममाया विश्वता। तो इसलिए हमें बोलते हैं कि पूर्वार्थ अक्षर यानी पूर्वार्थ में आयु भेद तब उसको यहाँ पे अन्वय करते भगवान को करते हैं भक्त करना चाहिए। क्या बोलते हैं कि भटादि स्थानीय अस्तु ये शरीर दिखाई पड़ रहा है ना ये मृतिका से बने हुए घड़ा के समान है मृतिका से बने हुए घड़ा के समान है उतना ही जड़ है उतना ही देश का भी एक अगर स्वतंत्र तक पहुँचना चाहिए कुछ व्यवहारिक अंग दिया हुआ है इसलिए आपके क्षेत्र में कभी व्यक्ति हो गया घटादि स्थानीय अस्तु देहादि संघाता घट के समान है ये देहादि संघात जितना संघात स्वप्न दृश्य देहादिवत स्वप्न में दिखाई दे रहा है कितने प्रकार के शरीर आपको दिखाई देते हैं देवता शरीर भी दिखाई पड़ता है मनुष्य शरीर भी दिखाई पड़ता है पशु शरीर भी दिखाई पड़ता है सारे कहाँ विद्यमान है स्वप्न दृष्टि में विद्यमान स्वप्न दृष्टि स्वप्न स्वप्न दृश्य देहादिवत स्वप्न में दिखाई दे रहा है दृश्य जो शरीर उसका व्यवहार उपयोगी वस्तु जो भी दिखाई पड़ता है पहला दिया स्वप्न दृश्य देहादिवत दूसरा माया की कृत देहादिवत अथवा एक जादूगर के द्वारा बनाया हुआ जो शरीर ब्लैक मैजिक दिखाते हैं ना आपके मतलब भूत प्रेत में परेशान करते हैं ऊपर चला जाता है फिर नीचे आता है फिर आपके अंदर ये माया भी कृत देहादिवत स्वप्न दृश्य देहादिवत माया भी स्वप्न में मिलता है और माया के द्वारा भी जो दिखाई पड़ता है उस समय तो बिल्कुल सत्य लगता है और बुद्धि में बैठ भी जाते ही होगा परंतु परमात्म सत्य ये भी हमने ये किसी का पेट फाड़ के उसको जिंदा कर दे बताइए गला काट के जिंदा कर दे तो क्या ये संभव है ये ना संभव नहीं है मतलब क्या है जादू का की उतना माया है उसका हम लोग प्रवेश करते हैं यानी बच्चे आत्म माया विषय होता आत्मा का ही अपने ऊपर अपने अपना अपना के आश्रय में रहा है जो उनकी आत्ममाया मतलब क्या आत्म संबंधित अज्ञान इसी से ये फैलता है आत्म माया विषय जिसका मतलब आत्मा के आश्रय में रहता है कोई माया ऐसा नहीं समझता आत्मा को विषय करने वाला आत्मसंबंधित अज्ञान बस इतना ही आत्म माया विषय आत्मस्वरूप संबंधित अज्ञान ही सारा संसार को फैला इसीलिए बोलता है आत्म माया विषय देता आत्म न माया आत्म की माया कौन सा अविद्या अभिव्यक्ति है ना आत्मसंबंधित अज्ञान अविद्या तया प्रत्युप स्थापित उस अज्ञान से खड़ा कर देगा प्रत्युप स्थापित रिप्रेजेंटेड बाई दैट इग्नोरेंस और प्रत्युप स्थापित न परमार्थ शक्ति वो परमार्थ है कि माया के कारण प्रति अधिक अर्थ ये इसका विपरीत है। यदि अधिकम अधिकम मतलब अधिकस्य भाव अधिकम देहादि अपेक्षा देवादि कार्य करना संघाता ना ये विज्ञान मतलब यदि आपको ऐसा लगता है देवादि कार्यकरण संघात पशु आदि कार्यकरण संघात से वो अधिक है वो अच्छा है वो सत्य है ऐसा यदि आपको लगता है यदि आधिक्य अधिक भाव अधिक नंबर टिप्पणी देखिए अधिक का मतलब अधिक भाव उत्कृष्ट का देवादि शरीर उत्कृष्ट इसलिए सत्य है और पशु आदि शरीर निकृष्ट इसलिए मिथ्य है ये भावने की ये चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलते देवता पूज्य हो जाए वो माता भी तो पूज्य होती है वो मतलब भी पूछे होते हैं दुर्गा पूजा करते हैं उसका मतलब गरु मतलब गाय के शरीर जो है सत्य है या कुत्ता का शरीर मिथ्या है कोई तो नहीं कह सकते हैं पूजा होते हैं इस प्रकार बस ठीक है शरीर दृष्टि से जो हम मानते हैं उस प्रकार उसके अंदर रहने वाले जो सच्चिदानंद है वो एकमात्र शब्द है उसकी हमारी मान्यता है उत्कृष्टता के लिए अवध इसलिए अधिक भाव तीर्थ देहादि अपेक्षा तीर्थ पशुवादी शरीर की अपेक्षा से देवादि शरीर जो है अधिक अच्छा है वो इसलिए संत होना चाहिए देवादि कार्यकर्म संघात आना देवादि शरीर कार्यकर्म शब्द शरीर दिखाई पड़ता है
यदि आप एक यदि वह सर्वेक्षण सहमत आएगा अथवा सभी में सत्यता एक ही प्रकार के आदि को अपने मनमान से बोलने पर मन सभी शरीर सुनते हैं ऐसा यदि कहना चाहते हो न ईशा को भक्ति संभव हो ऐसा इस प्रकार कहने के लिए कोई युक्ति होना संयुक्ति संगत होना संभव नहीं है ये युक्ति संगत होना संभव नहीं है न ईशा उपभक्ति संभव हो सद्भाव प्रतिपादक हेतु अथवा इस प्रकार इसको प्रतिपादन करने के लिए जो हेतु आपकी प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए कोई हेतु आपको शास्त्र दृष्टि से नहीं मिलेगा शास्त्र दृष्टि से आप अपने आप कर्तव्यता शुद्ध करना चाहते हैं वो आप अलग बात है परंतु शास्त्र दृष्टि से आपकी संतोष शुद्ध करने के लिए कोई हेतु नहीं मिलेगा शास्त्र सारा कुछ भी प्रतिपादन करते हैं बाद में जाकर निषेध कर देते हैं ये पारमार्थिक सत्य नहीं है अब हिंदू नेता का हिंदू से उसको समझाने के लिए उसका हमने आरोप करके कहा इसलिए बोलते हैं यदि वह सर्वेशम समता एव न ईशम को प्रति संभव मतलब इसी का अर्थ लेकर सद्भाव प्रतिपादक हेतु विद्यते इसको सिद्ध करने के लिए जो हेतु है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा शास्त्र में नहीं मिलेगा ये उसका हेतु होता है नास्ति ही तस्मात मतलब इस आपकी प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता इसलिए तस्मात अविद्या प्रीता एव वो सारा जो देह दिखाई पड़ता है सभी में अविद्या तो धर्म से ही बैठा हुआ है हमने देवता को भी कल्पना करता है क्यों अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए शास्त्र ने बताया ना उस देवता को कल्पना करके देवी देवता का पूजा करते हैं भगवान स्वयं अपने आप भगवान मिलता नहीं बोलते इस प्रकार देवी देवता को पूजा करने से उसको जो लाभ मिलता है यदि उसको छोड़ करके यदि मेरा भगवान की पूजा करता है क्या होता है लाभ का सारा दुख करता है परंतु गुण है अपने भक्ति में ऐसा करते हैं काम शतम कर्मजम सिद्धि यजंती है देवता आपके अभिष्ठित कर्म अभी वस्तु का सिद्ध करने के लिए इस देवता को पूजा करते हैं भगवान के द्वारा अपने आप बोलते हैं अपने आप भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं चतुर्थ अध्याय काम शतम कर्मजम यजंती है देवता शिव का भी मनुष्य लोग सिद्धि भगवती कारण है जल्दी जल्दी फिर उस प्रकार का लोग सिद्धि मिल जाते श्री सिद्धि मतलब उस देवी देवता से फल मिल जाता फल भी देने वाला भगवान है उत्कृष्ट शक्ति अधिकांतिका मनुष्य शरीर में भी यदि आप बोलो सब सत्य हो भी नहीं कह सकते क्योंकि चीटी आदि के बिना मनुष्य शरीर ही एकमात्र आप बोलेंगे देवता शरीर में प्राप्ति के रास्ता नहीं है पशु शरीर में भी नहीं है मनुष्य शरीर उत्कृष्ट है वो अपने पुरुष कार के द्वारा सब कुछ बदल सकते हैं अपने आगे बढ़ सकते हैं इसलिए मनुष्य शरीर सत्य है अब यहाँ भी कोई देखिए मनुष्य आदि देश अभी उत्कृष्ट सत्य है उत्कृष्ट सत्य हो ये कर्मों के लिए अधिकार है इस कारण से हम ये भी व्यभिचारी हेतु है क्योंकि ये शरीर भी तो देखो ना मैं बोला पूर्वोन्मक्ष दर्शन भी कहते हैं क्या कहते हैं कि शरीर में आत्मबुद्धि अज्ञान से है सूक्ष्म शरीर में आत्मबुद्धि मैं वो जाकर भोग कर उसने शरीर में आत्मबुद्धि स्थूल शरीर को उसने अज्ञान से ही माना हुआ है इसलिए हमें बोलते हैं तुम्हारे दर्शन में तो तुमने इसको निश्चित कर दिया इसलिए ये व्यभिचारी को ही जाता है ये सत्य नहीं जाता है यहीं पर स्थूल शरीर नाश हो जाता है शरीर नाश है पंचभूति शरीर कैसे सत्य हो सकते हैं ये इसका योग्यता इसको प्रतीका देखिए पूरा थोड़ा समझा हुआ है मनी मंत्रादि रूपा माया इंद्रजाल प्रयोग भूता व्यवस्था जो माया हमारे कहा गया कि कभी कभी क्या होता है कोई मंत्र के द्वारा कोई मतलब आपको चमक अलौकिक वस्तु दिखा देते हैं मणि के द्वारा कोई एक चंद्रकांत मणि है आपके पास हो तो आपको अग्नि जला नहीं पाएगा तो आप चमक दिखा देते हैं मणि मंत्रादि रूपा माया मणि मंत्रादि से जो माया मतलब इंद्रजाली का दिखाई पड़ता है इस आप उस माया को नहीं कह रहे यहाँ पे ठीक है क्या बोला हमारे यहाँ पे माया क्या है आपको अज्ञानी माया है बाकी दूसरा कोई चल मतलब अलौकिकता वेदांत में नहीं है वेदांत अलौकिकता को नहीं मानते बस आत्मा की अज्ञा ये मतलब हो जाए मणि मंत्रादि रूपा माया मणि मंत्रादि रूप जो माया है इंद्रजाल प्रयुक्त प्रयोजक होता अथवा इंद्रजाल की जो हेतु होता है मतलब आपको आपको वध कर देना विक्रमाइज कर देना मैस्मराइज कर देना ये सब माया हम यहाँ नहीं कह रहे ये आप नहीं कह रहे ये पाँच नंबर टिप्पणी में देखिए चमत्कार विशेष है ना अलग चमत्कार दिखाता है ना
वो चीज यहाँ पे काम देगा, उस पर निराकरण कर रहा है। ये कोई कुछ चमत्कार नहीं है, जब इंद्र को पता उसको डेवलप कर देते। क्या है आत्मा माया, मतलब माया मतलब क्या होता है, जादूगर की माया अथवा कोई तंत्र मंत्र आदि की माया, उस माया को हम नहीं मानते हैं। वेदांत देखो सारा देखता है अनुज्ञान मात्र, आत्मा का ज्ञान किसी को उसके रूप में उसका निराकरण करते हैं। व्यवर्त अविद्या, अविद्या को हम माया दया प्रत्युपस्था भी दया, उस अविद्या के कारण ये सामने ला कर खड़ा कर दिया सारा। न परमात्म की शांति, सारा शरीर में कोई भी परमात्म की सत्य नहीं है। अब इसी को देखिए छोटा सा एक अनुमान देता है समझा रहे हम भी। विमता देहा न सत्या देहत्वा संपत्ति बंधवा रीति अर्थ, ठीक है ना। विवादास्पित कौन, देवता देव को लेकर के बोल रहे थे अथवा मनुष्य शरीर को लेकर के बोल रहे, विपक्ष हो गया। विवादास्पद जिस शरीर को सत्य मानना चाहते हो उस शरीर के पक्ष मानो, जिस शरीर को सत्य मानो न सत्य वो सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, देहत्वाद शरीर होने के कारण। संप्रति बंधवा जहाँ पे तुम्हारी मान्यता है उसी शरीर, जैसा जिस शरीर में तुम मिथ्या मानते हो अपना शरीर भी ऐसे ही है, वो पंच होती है, इसीलिए किसी भी शरीर में सत्य तो नहीं है। विमता देहा पक्ष हो गया, न सत्य ये सत्य हो गया, देहत्वा के हेतु हो गया, संप्रति राजा के शरीर भी दिखाई पड़ता है, देवताओं के शरीर भी दिखाई पड़ता है, इंद्र भी कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो भी दिखाई देने पर संयुक्त करके भूल जाए, नहीं नहीं वो स्वप्न मिथ्या है। ठीक इसी प्रकार यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि देवता की शरीर सत्य है, समझना कि देहत्व रूप धर्म समान होने के कारण देहत्वाद वो शरीर भी मिथ्या ही है, मिथ्या इसका मिलता है। विवादास्पद देहा ये पक्ष है, न सत्य ये सत्य है, ये दोनों मिथ्या में हो गए। प्रतिज्ञा आपको क्यों नहीं है, उसके हेतु भी है, क्यों सत्य नहीं है, किंतु देहत्वाद क्योंकि वो भी एक दिन होने के कारण, देवता की शरीर भी शरीर भर के कारण संपत्ति बनता है। जहाँ पे तुमको किसी भी शरीर में यदि तुम सत्य नहीं है मान्यता देते हो तो वो देहत्व धर्म सभी जगह समान। किसी किसी ने देखने में थोड़ा सुंदर है, किसी के ये फूलों की तो करने कम से किसी ने ब्राह्मण को इसमें पैदा हुआ, किसी शुद्ध को पैदा हुआ, मतलब दोनों ही ब्राह्मण तो शुद्ध भी नहीं थे, उसमें शरीर भी नहीं थे, फिर आगे बोलने हैं ब्रह्मादि देहानाम उत्कृष्टत्वात् अविद्या प्रजन्यमिति आशंका। क्या बोल रहे हैं, जन्म ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा विष्णु है, इस प्रकार इसका जो शरीर है वो शरीर क्या होता है, उत्कृष्टत्ता तो उत्कृष्ट शरीर है, इसलिए वो मिथ्या नहीं हो सकता है। ब्रह्मादि देहानाम ब्रह्मा आदि का जो शरीर है उत्कृष्टत्वात् उत्कृष्ट होने के कारण न अविद्या प्रजन्यता हो, अविद्या में तो नहीं है इति आशंका। हमें अपना शुभ भोगने के लिए इसको बनाया है, या वहाँ जाने से भी शुभ प्राप्त हो जाएगा, वो शुभ का बच्चा होता है। इसका शास्त्री करके धर्म करते हैं ब्रह्मादि देवाना उत्कृष्ट, ब्रह्मादि देह उत्कृष्ट देहाना उत्कृष्ट होने के कारण न अविद्या पे जब हो, अविद्या पे तो नहीं है यदि आशंका, ऐसा उसको शंका करते हैं। तो द्वितीय अर्थ हम दृष्टि इसके उत्तर पर द्वितीय अर्थ में व्याख्या करते हैं, आदित्य सर्वसामेगा न वो करते ही विद्यते, उसके यहाँ पे बोलते हैं हाँ यदि यदि इत्यादि न यदि वा, ठीक है मेरा प्रत्येक यदि वह सर्वेशा समता एव नैषा उपकर्तु संभव सद्भाव प्रतिपादक हेतु का विद्यत्व यह सत्य है। देवी देवताओं का मानने वाला देवी देवता कौन मानेगा, मनुष्य मानेगा पूजा आदि करने वाला, तो तुम्हारे शरीर पर जैसा सत्य है सत्य होता है छवि भी सत्य होगा। इसमें बोलते हैं ब्रह्मादि देव देहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सत्य देवताओं की शरीर है ना वो सत्य है। हमने यहाँ पे तो विमता देहा न सत्य सिद्धांत अनुमान है और ये पूर्व पक्ष अनुमान है। इसमें बोलते हैं ब्रह्मादि देव देहा, ब्रह्मा से लेके जो देवताओं की शरीर है वो सत्य है, क्यों उत्कृष्ट अथवा
मनुष्यादि देहवत मनुष्यादि शरीर देखो तो बाप आपको निष्ठा तो देना पड़ेगा। वो मनुष्य शरीर के पूर्व गुण का दर्शन मनुष्य शरीर के द्वारा कर्म होता है और कर्म के विभाजन होते हैं। इस शरीर को जैसे सत्य माना इसी प्रकार देवता शरीर भी सत्य होगा तो पूर्ण गुण का दर्शन बोलने वाले हैं। अंत वेदांती मतलब पारमार्थिक दृष्टि से बचने वाले व्यक्ति वो क्या बोलते हैं, देवता शरीर भी वैसे ही मिथ्या है जैसा मनुष्य शरीर, जैसा मनुष्य शरीर शरीर धर्म समान नहीं होता। देवता की आवश्यकता क्यों है, देवता की आवश्यकता क्यों है, हम भी तो देवता को मानते हैं, बहुत देवता का मानते हैं, इंद्रियों का व्यवहार को करने के लिए देवता को मानते हैं। अब जब ये शुद्ध आत्मा को आपका विषय है, शुद्ध आत्मा का जो इंद्रिय भी है सूक्ष्म शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठान भी देवता नहीं है तो देवता की क्यों प्रयोग कर रहा है। यदि एक बार आत्मचिंता में आत्मा को विषय करके मन नहीं स्थिर कर पाते हैं, आपको सरकारी संबंधित कोई हो अथवा तो शरीर संबंधित प्रतिमान का कोई बड़ा कोई चिंता नहीं, आनंद अभी आप श्रुति ने भी जो है शरीर को मिथ्या करके दिखाया। आपने तो एक भी उपनिषद पढ़ाए ठीक है, और पांच कोष का वर्णन है, अन्नमय कोष कर्णमय कोष फलमय कोष वेदांगमय कोष अनंतमय कोष ठीक है। कोष मतलब क्या होता जो ढकने वाला ज्ञान, आप बताओ मैं के आपको उपयोगी था किसके, तलवार का, तलवार को आप मैं पे रखते हो तो आप श्रुति अपने आप ये सबसे पीछे आत्मा को दिखा और ये पांच आवरण के अंदर ढका हुआ है। इस आवरण मिथ्या है, इस श्रुति अपना श्रुति बात है एकम अन्नमय आत्मानम संक्रमति एकम प्राणमय अन्नमय कोष को इस प्राणमय कोष को सबको बात कर जाते हैं तब जाके क्या होता है ये अपने स्वरूप को आनंद है। यदि ये सत्य वस्तु होता तो श्रुति इसको निषेध करती। अब देखिए आप श्रुति श्रुति ने भी आत्मा को प्रतिज्ञा क्या किया था, ब्रह्म विलात्म ब्रह्म क्या है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब उसको समझाना है, उस ब्रह्म को समझाना है तब अथर्व प्रक्रिया में क्या कह रहा था अन्नमय तस्मात वदे समते तस्मात आत्मना आकाश संभूत आकाश वायु लगे अन्नमय पुस्तक लाए। अब फिर अपने आप श्रुति सबको निषेध कर देती है एकम अन्नमय आत्मानों को संक्रमति एकम प्राणमय, मतलब जिसको जितना अध्यारोप किया था आनंदमय कोष का निराकरण कर देंगे है ना, समस्त कोष की अधिष्ठान जिसके ऊपर इसके रहने के कारण सारा कोष अपना व्यवहार कर पाते हैं वो एकमात्र सत्य वस्तु सबके अधिष्ठान ब्रह्म को क्षण प्रतिष्ठा जिस ब्रह्म को प्रतिज्ञा दिए सत्यम ज्ञान उसको समझाने के लिए ये सारा प्रक्रिया को अपना गया है। श्रुति स्वयं अपने आप सबको निषेध करके ब्रह्म को प्रतिपादन करते हैं इसलिए ब्रह्म ही सत्य है जीव की बात मतलब आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है बाकी बाधन कोई सत्य नहीं है। श्रुति प्रतिवादन है ब्रह्मानंद वर्धिनी इसके प्रतिपादन करके ब्रह्मानंद वर्धिनी अलग शब्द ब्राह्मण में उत्तम सब दिखाया इसको निषेध करके प्रतिपादन करते हैं मधु ब्राह्मण में सब एक एक करके समझाएगा। यहाँ तक भी देखो अब बोलेंगे आपको इस ईशावा शुक्र शब्द सभी ने करा होगा ईशावा शुक्र शब्द संभूति संभूति है ना देखो संभूति यदि पारमार्थिक सत्य होता संभव तो सुकिस की निंदा करती, सुकिस की निंदा नहीं करती। इसीलिए श्रुति जब अपने आप किसी चीज को प्रतिपादन करके अपने आप उसका निंदा कर देती है तब क्या होता है वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। और भेद दृष्टि की निंदा तो हर जगह पे की गई है मृत्यु सवृत्मात्मा के जो है नाना देहन नास्तु की जन, इसलिए ये जो भेद दृष्टि हमारे लिए अनंत कारक है और इसीलिए जो है श्रुति इसका निंदा करती है इसीलिए वो पारमार्थिक वस्तु नहीं है। आप एक ही करके श्रुति के आधार पर अभी अभिवृत्ति के आधार पर शुरू करते हैं स्तुति के आधार पर अद्वैत पारमार्थिक सत्य शुरू करें।
टीका में देखिए, जीवस्य अद्वितीय ब्रह्मत्वं उपपत्ति अवस्थितं उपपादितं। जीव ही पारमार्थिक भेद रहित व्यापक तत्व है। जीवस्य अद्वितीय ब्रह्मत्वं, जीव में क्या भेद है? भेद रहित व्यापकता, भेद रहित व्यापकता जीव का पारमार्थिक स्वरूप है। उपपत्ति अवस्था में युक्ति के सहारे, उपपत्ति युक्ति को अवलंबन करके प्रतिपादित, उसको प्रतिपादन करके दिखाया अवलंबन करके अवस्था, उसका अवलंबन करके उसका आधार दिए, उसका अवलंबन करके जीवस्य अद्वितीय ब्रह्मत्वं उपपत्ति अवस्था में जीव भी भेद रहित व्यापक तत्व है, शुद्ध व्यापक तत्व है। उपपत्ति मतलब युक्ति, अवस्थम भिन्न मतलब अवलंबन लेकर के उपपादित प्रतिपादन करके दिखाया। अब क्या करना चाहते हैं? इदानी तथ्य दैत्य श्रुति तात्पर्य मतलब जीव ही अद्वितीय ब्रह्म व्यापक है। इस विषय में अद्वितीय ब्रह्म व्यापक तत्व इस विषय में दैत्य श्रुति कहती है, उसको दिखाना है। इदानीम अब तत्र मतलब जीवस्य अद्वितीय ब्रह्मन्ते, जीवस्य अद्वितीय ब्रह्मन्ते तैतृय श्रुतेः तात्पर्य। तैतृय श्रुति का तात्पर्य देखो, शब्दार्थ एक है, तात्पर्य किसमें है? तात्पर्य निर्णय छठ लिंग के द्वारा आप ब्रह्मानंद बोल का तात्पर्य किसमें निकालेंगे? ब्रह्म शब्द जगत लिखता है, तात्पर्य निर्णय लिंग में खड़ा करके उसको देखो। इदानीम तत्व तैतृय श्रुते तात्पर्य, उस विषय में तैतृय श्रुति के तात्पर्य को कहते हैं। पूर्व श्लोक को पढ़िए, रसादयो हि देकोषा, रसादयो हि देकोषा व्याख्यातास्तैत्तरीयके तेषाम् आत्मा परो जीवः, तेषाम् आत्मा परो जीवः। हं यथा संप्रकाशितः, हं यथा संप्रकाशितः रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तरीयके तेषाम् आत्मा परो जीवः हं यथा संप्रकाशितः। रसादयो हि अन्नमय रस, अन्नमय कोश, इसको रस अन्नमय रस से बोला है, प्राणमय रस से कोश। रसादयो हि ये कोश मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये कोश के नाम है। लेकिन ब्रह्मसूत्र में भी आनंदमय कोश को ही आत्मा मान लिया था, तभी भगवत भाषा ने समझाया हुआ आनंदमय कोश आत्मा नहीं हो सकता, वो भी विकार है, अवयव वाला है, उसकी जो अधिष्ठान है वो आत्मा है। है ना, तस्य तस्य इदमेव शिरायम दक्षिण पक्षाय उत्तर पक्षाय अयम आत्मा प्रत्यक्षिना व्याख्या वहाँ पांच अव्यक्त कल्पना करके व्याख्या दिया गया है। ठीक है ना, ये जो भी कुछ वहाँ पे व्याख्या दी है तेषाम, उसमें तात्पर्य किसमें है? आत्मा को समझाने के लिए। तेषाम आत्मा करो जीव मतलब उस अंतरतम जो जीवात्मा है वही व्यापक तत्व वही ब्रह्म है, इसको बताने के लिए ऐसा कहा। हम यथा संप्रकाशित, आकाश के समान जो परमात्मा व्यापक पूर्ण है, उसको समझाने के लिए भी प्रक्रिया को अपना गया, अर्थारोप प्रक्रिया को अपना करके फिर उसको निषेध करके इसी में प्राप्त कर सभी स्थितियों को एक एक श्रुति वाक्य उठा करके यहाँ पे बताया जाएगा। कल परसों धोरी का अवकाश होगा ना, कल अमावस्या, कल अमावस्या परसों धोरी का 28-29 धोरी अवकाश है, तो फिर नहीं बोलेंगे फिर गदरबंद हो जाएगा। पहले से 28-29 अमावस्या प्रतिपदा दो दिन का अवकाश रहेगा, और फिर मतलब 30 तारीख से दो दिन की छुट्टी है। आज कौन सा दिन? पहला वाला अजम मधि युनि योगम प्रापरेश्वर्य योगा अगति चलति मत्यां प्रापरेकं हिरणीकम् विविधेक्षणा।
शांति शांति शांति।